देखो आई नो एक ही महीने के अंदर 3 बॉक्स ऑफिस वीडियो बनाना और तीनों स्त्री पे थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अब क्या करे, कांड ही ऐसा है। कांड के कांड, ऊपर से तुम ही लोग मुझे कमेंट सेक्शन सोशल मीडिया पे टैग करके बोल रहे हो कि भाई तूने जो बोला था गलत हो गया। अब बारी है एक और बॉक्स ऑफिस वीडियो बनाने की, बोल दे आई वाज रॉन्ग अगेन पार्ट 2। लेकिन अगर तुमको कोई आइडिया नहीं है क्योंकि तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, हरामखोर हो। स्त्री के बॉक्स ऑफिस के ऊपर मैंने पहला वीडियो 20 अगस्त को बनाया था और उसके अंदर प्रेडिक्ट किया था कि ये 470 से 500 करोड़ तक जा सकती है। हाईर लेवल पे 500 इज बोथ हो गया, आई वॉज रॉन्ग। तो इसीलिए 9 सितंबर को फिर से वीडियो बनाता हूँ, तब तक स्त्री 2 ने ऑलरेडी 500 क्रॉस कर लिया। असली क्वेश्चन अपने सामने था कि क्या वो जवान के 582 करोड़ को पीछे छोड़ पाएगी। मैंने उसको ले देके 20% चांस दिया पॉसिबिलिटी, 80% मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, एंड आई वॉज रॉन्ग अगेन। स्त्री के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? तो इसलिए बिजनेस रिपोर्ट के इस वीडियो में हम लोग पता करेंगे कि क्या किया और कैसे किया। लेकिन उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सच में कर दिया? राजकुमार राव श्रद्धा कपूर की इस मूवी ने सच में शाहरुख खान की पिक्चर को हरा दिया? आंसर इज यस, काइंड ऑफ ऑलमोस्ट। देखो मुझे पता है कि ये सुनने के बाद तुम या तो मुझे गाली दे रहे हो या फिर अपना सर खुजा रहे हो, क्योंकि भले ही तुम बॉक्स ऑफिस नंबर ज्यादा फॉलो नहीं करते लेकिन सोशल मीडिया पे पोस्ट जरूर देखे होंगे कि भाई हो गया स्त्री 2 बीट्स जवान। वो कम्प्लीटली फॉल्स नहीं है क्योंकि 18 सितंबर को तरण आदर्श का ये ट्वीट है, स्त्री क्रॉस्ड जवान 582 83 84 करोड़। बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट पे तुम जाके कलेक्शंस चेक करोगे तो वो आज के टाइम पे 604 करोड़ बता रहे हैं, जो कि सेम एग्जैक्ट नंबर स्त्री के प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो हाँ, इस केस में स्त्री ने डेफिनेटली जवान को बीट कर दिया पिछले ही हफ्ते, और ये चीज मैंने उसके 10 दिन पहले प्रेडिक्ट कर ली थी कि देख रहा तुमको सोशल मीडिया पे पोस्ट देखने मिलेंगे, क्योंकि बॉक्स ऑफिस नंबर्स को ये ट्रैक करना रिपोर्ट करना कोई भी एक सिस्टमैटिक तरीका नहीं है। तुम 4 वेबसाइट पे जाओगे तो हर जगह अलग कलेक्शन दिखेगा। लॉजिकली सबसे इजी और बेस्ट सॉल्यूशन है कि मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं के नंबर को सच मानो, क्योंकि उनकी पिक्चर है, उनको तो पता ही होगा कि कितना कमा रही है। लेकिन ऐसे काफी हाई प्रोफाइल एग्जांपल्स अपने सामने आए हैं जहां पर लोगों ने ये प्रोड्यूसर्स के ही नंबर को क्वेश्चन में लिया हुआ है, क्योंकि उनका इंसेंटिव है ज्यादा बढ़ा के दिखाना, और हर बार ये डिबेट किसी ना किसी मूवी को लेकर चालू हो जाता है कि वो तो ज्यादा बता रहा है, फेक कलेक्शंस है, कॉर्पोरेट बुकिंग है। यही सारी बातें कल की मूवी को लेके भी उठी थी, इनफैक्ट डंकी, सालार, पठान। तो इसीलिए बॉक्स ऑफिस वाले वीडियोस बनाते वक्त मैं sacnil.com करके वेबसाइट है उन्हीं के नंबर्स को फॉलो करता हूँ हर बार, क्योंकि वो बहुत डिटेल में होते हैं और ऑलमोस्ट सारी मूवी का टाइम पे मिल जाता है। स्त्री 2 के केस में भी वही किया, लेकिन वो लोग जो नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली कम है प्रोड्यूसर और बॉलीवुड हंगामा से। और ये बात अच्छी नहीं होगी बिल्कुल भी कि मैंने बाकी सारी मूवीज के लिए sacnil के नंबर्स लिए और स्त्री के केस में मैं प्रोड्यूसर्स को कोट कर रहा हूँ। एक बार जिसको पकड़ा है सबको उसी के बेसिस पे जज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसलिए आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्त्री 2 का डे 39 खत्म हो चुका है और उसका टोटल कलेक्शन इस वेबसाइट के हिसाब से अभी तक 577 करोड़ है। यही लोगों के हिसाब से जवान का 640 करोड़ था, लेकिन उसमें सारे लैंग्वेजेस हैं। अगर हम लोग सिर्फ हिंदी पे फोकस करें 582 करोड़, तो इसका मतलब नेट कलेक्शन के हिसाब से स्त्री 2 जवान से अभी 5 करोड़ पीछे है। और ये कैसे हुआ? लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी 2 हफ्ते पहले, उसके अंदर स्त्री 2 के डे 22 22 दिनों के कलेक्शन ट्रैक करके कैलकुलेट करके प्रिडिक्ट किया था। उस टाइम पे स्त्री 2 नेट कलेक्शन में 503 करोड़ पे थी और कंपैरिजन में राइवल जवान उससे 22 करोड़ आगे था दोनों के 22 दिनों के कलेक्शन। मैंने एक रीजन भी दिया कि डे नंबर 26 अगर तुम जवान पे फोकस करोगे तो ऑलमोस्ट 7 करोड़ कमाया उसने मंडे होने के बाद भी, क्योंकि गांधी जयंती की छुट्टी मिली थी और ये फायदा स्त्री को नहीं होने वाला, तो ऑब्वियसली उसके नंबर्स कम आएंगे, मतलब कि दोनों के बीच में जो गैप है टोटल वाला बढ़ जाएगा। यही हुआ, डे नंबर 26 में स्त्री 2 का कलेक्शन आता है 3 करोड़ के आसपास, जवान का आधा। लेकिन जो गेम ये भूतिया पिक्चर अब तक करते आ रही थी वही उसने करके दिखाया फिर से। डे नंबर 27 ट्यूसडे से अगर तुम जवान के कलेक्शन पे फोकस करोगे तो वो पहले 2 करोड़ था, फिर गिर के 1.95, फिर 1.8 और ऐसे करते करते वो नीचे ही जा रहा है। लेकिन उसके मुकाबले स्त्री 2 कभी नीचे आई ही नहीं। हाल ऐसा हो गया कि डे 33 पे अगर तुम फोकस करो, जवान का है 0.8 करोड़ 80 लाख, स्त्री 3 करोड़। इनफैक्ट जवान का 3 दिन अगर तुम मिला दोगे डे नंबर 33 34 35 तो इन तीनों के टोटल से ज्यादा स्त्री 2 ने एक दिन में कमाया है। 3 दिन छोड़ो, जवान में अगर तुम चौथा ऐड कर रहे हो तब जाके उसका 3 करोड़ क्रॉस हो रहा है। इतना माधुरजात लेवल का होल्ड दिखाया है। इवन दो मूवीज लाइक तुम्बाड़ रिलीज हुई, बहुत अच्छा पैसा कमाया उसने। इस फ्राइडे को युद्धरा रिलीज हुई, उसने भी शायद पहले दिन 4 करोड़ कमाए नेशनल सिनेमा डे के कारण। फिर भी स्त्री 2 इन्हीं दिनों में गिरने के बदले बढ़ रही है। डे नंबर 39 6th संडे पे आ चुके हम लोग, इतनी लंबी तो पिक्चर थिएटर में चलती नहीं भाई। जवान ने पिछले साल 2 करोड़ कमाए थे,
थ्री टू ने 5। 40 दिन हो चुके थिएटर में रिलीज हुए, फिर भी 5 करोड़ का आंकड़ा। मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन क्या कोई चेक करके बताएगा कि बाहुबली 2 का ऑल इंडिया सारे लैंग्वेजेस मिला के डे 39 पे 38 जो संडे था कितना आया था। आई डाउट कि वो 5 करोड़ के आसपास हो। तो ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद आज के दिन 3-2 जो 5 करोड़ पीछे है जवान से, वो इजिली अगले 5-6 दिन में क्रॉस कर जाएगी। प्रोड्यूसर नंबर दूसरे वेबसाइट्स पे तो ऑलरेडी पार कर चुकी है, इस वेबसाइट के हिसाब से भी इट विल बीट जवान फेयर एंड स्क्वायर। इसलिए जब भी सोचता हूँ मैं कि इसने क्या कर दिखाया, द जर्नी हैज बीन अल्ट्रा प्रो मैक्स माइंड ब्लोइंग। क्योंकि देखो, हम सबको पता था कि इस मूवी के लिए हाइप है, लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन इतना कि बिगेस्ट मूवी इन हिंदी ऑफ ऑल टाइम बन जाए, नंबर 1 पे बैठे जवान को बीट करना लिटरली अनरियल हो गया। टाइम ट्रैवल करके अगर तुम मुझे मिलो 1.5 महीने पहले जब ये रिलीज नहीं हुई थी और मेरे मुंह पे बोलो कि भाई ये 3-2 बीट करने वाली है, मैं हंस दूंगा, मैं बोलूंगा पागल हो चुके हो तुम। क्योंकि जवान का कलेक्शन तुमको अब मजाक लग रहा होगा, बट इट इज नो जोक। इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार लिया तुमने, फुल कमर्शियल मूवी बनाई जिसके अंदर पूरा एक्शन, फैन सर्विस वाले मोमेंट्स भर भर के डाल दिए, एंट्री सीक्वेंस, अंधाधुंध प्रमोशन, सारी चीजें मिलाने के बाद उसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया और एक कॉमेडी मूवी आती है, पीट के चली आती है सबको इंक्लूडिंग मी। अब देखो, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके हिसाब से स्त्री 2 ने 600 करोड़ नेट कलेक्शन ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। 580 हम लोग देख रहे थे जा पाएगी कि नहीं, वो कह रहे हैं कि 600 हो गया भाई। और ये पहली हिंदी मूवी बनी है ऐसा करने वाली सारी हिंदी मूवी के हिस्ट्री में। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से नंबर्स को फॉलो करने वाले हो, 600 प्लस या 577। जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो 577 वाला, क्या उसमें ये 600 करोड़ जा पाएगी, मैं नहीं बोलने वाला भाई कुछ, मेरा हो गया प्रेडिक्शन। लेकिन इसने जैसा किया है साथ, लेट्स से कि नहीं जाएगी, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। ऑल टाइम बिगेस्ट इंडियन मूवी वर्ल्ड वाइड की लिस्ट अगर हम लोग देखें तो उस पे ये 11th रैंक पे है। उतना ऊपर नहीं जा पाई क्योंकि ओवरसीज में इसका परफॉर्मेंस डल है कंपेयर टू एनिमल या पठान, फिर भी सालार और लियो से ऊपर है। वर्ल्ड वाइड से थोड़ा नीचे आते हैं ऑल इंडिया की लिस्ट अगर हम लोग देखें, सारे लैंग्वेजेस सिर्फ हिंदी नहीं, तो नंबर 6 पे है जवान के नीचे, क्योंकि जवान के डब लैंग्वेजेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। ये ग्रॉस नंबर है बाय द वे, इसलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है, अब तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पहले वो नेट कलेक्शन था। लेकिन अगर तुम ये ऑल इंडिया वाली लिस्ट देखोगे, इतना हल्ला मचाने के बाद, इतना लड़ाई झगड़ा करने के बाद, स्त्री और जवान के कलेक्शन बाहुबली 2 के आधे हैं, हाफ। ये तो वही मीम हो गया कि भाई पूरा सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन देखो तो भी काफी ऊपर जाना है। एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर दिख गई मुझे कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ्रेंचाइज वाली लिस्ट में ये 4th पे आ चुकी है, लेकिन बागी क्रिश के ऊपर कैसे? ऋतिक रोशन, मैं होता तो ना साइकिल लेता। सब्सक्राइब।